जी अंडर द डेवलपमेंटल थेरीज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस सोशियो कल्चरल थेरीज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरी इन सोशियो कल्चरल थेरीज इज़ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। विदोसकी का ख्याल है कि बच्चे जो हैं वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से और कल्चर से और इर्द गिर्द के लोगों के इंटरेक्शन से सीखते हैं अब इन्होंने यह बताया कि एक ऐसा लेवल होता है जिसपे बच्चा खुद से जो जिस अपनी उम्र के मुताबिक अपने मेंटल लेवल के मुताबिक कुछ कर सकता है और फिर ये होता है कि उसकी कोई मैच्योर एडल्ट जो है वो उसकी हेल्प करता है उसको कुछ बताता है उसके काम में उसकी मदद करता है और फिर उस मदद के बाद वो एक ऊपर वाले नए लेवल पे आ जाता है और ये जो दरमियान का वो गैप है जो उसकी अपनी परफॉर्मेंस और उसके उस्ताद या जो मेचोर एडल्ट है या कोई सिबलिंग ही है कोई पियर है जो भी उसका मददगार है उसकी मदद से जो वो परफॉर्मेंस देता है उसकी अपनी परफॉर्मेंस और इस परफॉर्मेंस के बीच में जो वक्फा है उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो वो ये कहते हैं कि ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है ये वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है यानी जब हमने एक आइडिया अचीव कर लिया एक स्किल या एक महारत हमने अचीव कर ली तो अब हम नई महारत के लिए तैयार हो जाते हैं ठीक है तो विदास्की जो है ये इसने लैंग्वेज में इसका बड़ा काम है कॉग्निशन में इसका बड़ा काम है और ख़ास तौर पे सोशियो कल्चरल जो इन्वामेंट है बच्चे का उसका बड़ा रोल है इसके अंदर तो वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन भी और जो सोशल मैनर्स आप सीख रहे होते हैं वो सब आपके इर्द गिर्द के माहौल पर डिपेंड करते हैं और आप हमेशा दूसरे लोगों की मदद से आगे बढ़ सकते हैं अभी देखिए पर उसके बाद ब्रॉन बैनर जो है इनकी इकोलॉजिकल सिस्टम जो है ये भी एक सोशियो कल्चरल थेरी ही है और ये हमें यह बताती है कि देखें एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके गिर्द उसका खानदान होता है तो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो सबसे पहले एक माइक्रो सिस्टम में होती है माइक्रो सिस्टम में कौन है उसके माँ बाप हैं उसके सिबलिंग्स हैं नाना दादा हैं उसके हम हैं और उसके इर्द गिर्द के लोग हैं और फिर उसके बाद एग्जो सिस्टम है जो उससे बाहर जैसे हम कह सकते हैं कि उसका स्कूल है उसका इदारा है या वो जहाँ कहीं बाहर प्ले ग्राउंड में जा रहा है तो ये उसका एग्ज़ो सिस्टम है और आखिर में पूरी कम्युनिटी जो है उसको हम मैक्रो सिस्टम कहेंगे और आजकल वो मैक्रो सिस्टम जो है वो तो ग्लोबल हो चुका है क्योंकि आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर से बच्चे सीख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू सीख रहे हैं वीडियोस के ज़रिए सीख रहे हैं वह पूरी दुनिया एक वक्त में देख सकते हैं तो वहाँ से भी वो अपने कल्चर को और अपनी सोशबिलिटी को एडॉप्ट कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी थेरीज जो हैं वो इस बात की हिमायत करते हैं या सपोर्ट करती हैं कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखता है तो इसका जो इन्फ्लेंस है वो ये है कि अगर हम बच्चे को बेहतरीन और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फराहम करेंगे तो वो बहुत बेहतर सीखेगा क्योंकि अगर माहौल कंजस्टेड है कन्फाइंड है इस सिलसिले में एक चूहों के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा हुआ था जिसमें उन्होंने कुछ चूहों को बिल्कुल कन्फाइंड रखा था बंद के अंदर और एक ऐसे पिंजरे में रखा जिसके अंदर बहुत से प्ले करने की चीजें थी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स थे चूहे उनसे खेल सकते थे सब कुछ बाद में उन्होंने उन दोनों ग्रुप्स जो थे चूहों के उनके ब्रेनस को मैयर किया तो वह हैरान हुए कि जिन चूहों ने कन्फाइंड माहौल में जिंदगी बसर की थी उनके दिमाग छोटे रह गए और जिन्होंने बड़े प्ले एरियाज में अपने आप को हर चीज़ में मसरूफ रखा और हर नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया उनके दिमाग बढ़ चुके थे उसके बाद अगली जो बड़ी इम्पॉर्टेंट थेरी है वो एरिक Eric एरिक्सन की थेरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट यानी ये ये कहते हैं वैसे तो इस थेरी में आठ स्टेजेस हैं लेकिन जिनका हम जिक्र करना चाहेंगे वो इब्तदाई उम्र के बच्चों के बारे में है यानी वो ये कहते हैं कि बच्चा सिफर से बर्थ से लेके एक साल तक ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट के जो स्टेज है उसको तय करता है इसका मतलब ये है कि बच्चा अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसका केयर गिवर हर वक्त उसके पास मौजूद हो जब कभी ज़रूरत पड़ती है भूख की प्यास की उसके टॉयलेट जो भी मसला है उसका उसका पैम्पर बदलना है उसकी माँ या केयर गिवर मौजूद रहता है तो उस बच्चे का दुनिया के ऊपर ट्रस्ट बन जाता है और हैरत अंगेज़ तौर पर वो ट्रस्ट सारी उम्र रहता है यानी अगर वो मिसट्रस का शिकार हो जाएगा जब उसको जरूरत पेश आई उसकी माँ पास नहीं है या कोई और केयर गिवर पास नहीं है तो फिर वो सारी उम्र के लिए मिस्ट्रस का शिकार हो जाएगा और उसके बाद दूसरी जो स्टेज है वो ऑटोनमी वर्सेस शेम की है जिसका मतलब ये है कि जब बच्चा एक साल से आगे जाएगा दो साल तीन साल की उम्र तक तो यहाँ वो चाहता है कि वो हर काम खुद करे आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे कहते हैं कपड़े मैंने खुद पहनने हैं खाना मैंने खुद खाना है चाहे वो गिर रहा हो चाहे कपड़े उल्टे डाल रहे हो, उल्टी तरफ से डाल रहे हों लेकिन उनको शौक होता है तो हमें ये ऑथर ये कहते हैं कि अगर बच्चों को इस उम्र में ऑटोनमी नहीं आएगी और वो अपनी मर्जी नहीं कर पाएंगे तो वो तमाम उम्र लोगों के मोहताज और डिपेंडेंट रहेंगे इसलिए माओं को चाहिए केयर गिवर्स को चाहिए या जो प्ले ग्रुप में हमारे इस है उनको चाहिए कि वो बच्चों को छोटे छोटे वो काम जो वो कर सकते हैं करने दें ताकि उनके अंदर ऑटोनमी पैदा हो शेम पैदा ना हो